गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हमने अपने साइको प्रैक्टिकल में जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट थे और टेस्ट थे वो सारे हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्दर आपने अपना सारा फाइल वर्क भी कर लिया है और सारा चेकिंग वर्क भी हो चुका था, हमने रिवीजन भी किया था। लेकिन अब क्या है कि आपकी जो भी फाइनल प्रैक्टिकल डेट्स थी उन टाइम पर आपका प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ है। तो अब मैं चाहूँगी कि फिर से हम क्या करें, जितने भी हमारे टेस्ट थे या एक्सपेरिमेंट थे उनको हम फिर से रिवाइज़ कर लें, जिससे हम अगर कुछ भी उन चीज़ों के बारे में भूल गए हैं तो हमें फिर से वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं, जिससे फर्दर हमारे जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे उनके लिए हम प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है क्लास, तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अध्ययन आदतें कह सकते हैं या हम स्टडी हैबिट कह सकते हैं। ठीक, तो स्टडी हैबिट अगर हम बात करें कि स्टडी हैबिट है क्या, सबसे पहले अगर बताऊँगी कि आपका जो स्टडी हैबिट टेस्ट एक इन्वेंट्री है उसे दिया था पलसाने एंड शर्मा ने। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अध्ययन आदतें हैं क्या। मैं आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, जिस प्रकार से आपका एग्ज़ामिनर पूछता है उन चीज़ों को तो आप कैसे उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें सीख ली हैं। जो की पॉइंट्स हैं प्रैक्टिकल के लिए हमारे, वो हमें जानना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी आदतें क्या हैं। अध्ययन आदतें तो हम कह सकते हैं कि एक पढ़ने का तरीका हमारा जो होता है वो, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हैबिट क्या है या आदतें क्या है। तो हमें पता है कि जो भी हमारी आदतें होती हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी बाय बर्थ जो हमारी आदतें होती हैं, और एक क्या होता है जो हमने अडॉप्ट की होती है या अर्जित किया गया होता है। क्योंकि जो भी बच्चा होता है हम कह सकते हैं कि बाय बर्थ उसमें कुछ आदतें होती हैं, उसकी हैबिट होती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने आसपास का जो हमारा वातावरण होता है उससे हम उन चीज़ों को अडैप्ट करते हैं। और वही जो हमने चीज़ें अडैप्ट की हैं या अर्जित की हैं, अगर उन्हीं चीज़ों को हम बार बार क्या करते हैं, कंटिन्यूस मैनर में दोहराते रहते हैं, तो वही क्या हो जाती हैं, हमारी आदतें बन जाती हैं। ठीक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो हमारी अब क्या, यानी ऐसे कार्य जो हम बार बार करते जाते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं वो सारी चीज़ें, और उन चीज़ों को हमें बार बार दोहराना या उन्हीं चीज़ों को हम सेम मैनर में करते हैं, तो वही हमारे कार्य क्या बन जाते हैं, हमारी आदतें बन जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट एक बात है कि आपका पलसाने एंड शर्मा या स्टडी हैबिट है क्या, हमारा एक्सपेरिमेंट है या टेस्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा टेस्ट है। क्यों हम कह रहे हैं कि ये टेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें क्या है, एक 45 क्वेश्चन की एक इन्वेंट्री दी जाती है, जिसमें आपके सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपके तीन कॉलम होंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चन में आपके तीन कॉलम होंगे, एक जो आपके लिए ऑलवेज होगा, एक आपका सम टाइम के लिए होगा, और एक आपका नेवर होता है। ठीक, तो हमें ये पता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ये टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट के लिए एक आपको लिमिटेशन दी जाती हैं और उसी लिमिटेशन में रहते हुए हमें वो सारे काम करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट इसके जस्ट अपोजिट होता है, उसमें हमें किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं दी जाती है कि आपको इन्हीं चीज़ों के अंदर रहते हुए वो काम करना है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हम कह सकते हैं टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आपका बेसिकली, जैसे हमें पता है कि अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें वहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं लिखना होता है, हमें केवल अपनी, जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है तो हमें केवल क्या लिखना होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। लेकिन फिर भी हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जैसे कि हम कहते हैं कि हैबिट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हैबिट किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इसकी अगर हम एक या दो डेफिनेशन अगर हमें याद हैं तो भी बहुत अच्छा है। ठीक, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, यानी हमें लिखना नहीं है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें लिखना केवल क्या है, आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना है, और उसी के बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें हमें करनी है। तो अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप देखो तो सबसे पहले हमें परीक्षण का नाम लिखना होता है, यानी जो भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं उसका नाम। तो यहाँ पर क्योंकि हम अध्ययन आदतें मान लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अध्ययन आदतें, और किसके द्वारा ये निर्मित है इन्वेंट्री, पलसाने एंड शर्मा के द्वारा। तो ये हमने वहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट आता है आपका
परीक्षण का उद्देश्य यानी जो भी आप टेस्ट करने जा रहे हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी आप किन ऑब्जेक्टिव को लेकर अपना टेस्ट क्या है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव है, यानी पहला क्या है, और हाँ हमें ये पता है कि ये टेस्ट हमें खुद पर नहीं करना है, ठीक, ये हमें किसी बच्चे पे करना है जो कह सकते हैं 8th या 10th क्लास का बच्चा हो, उससे उसके द्वारा हमें ये करवाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता करनी है उस एक पर्टिकुलर बच्चे की। तो हमें सबसे पहला यानी जो भी वो टेस्ट कर रहा है उसकी हमें अध्ययन आदतें पता चल जाएंगी, यानी उसकी एक क्या पढ़ने की उसकी क्या आदतें हैं, पढ़ने का तरीका क्या है उसका, हमें वो पता चल जाएगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि इसमें 8 बजटिंग एरियाज आपके दिए हुए हैं, यानी आपके टोटल 45 जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो 8 आपके बजटिंग एरियाज हैं, उनसे लिए गए हैं। और वो 8 बजटिंग एरियाज आपके कौन कौन से होंगे, पहला समय प्रबंधन का होगा यानी टाइम मैनेजमेंट का, दूसरा कह सकते हैं भौतिक क्षमताएँ यानी आपकी जो भी भौतिक क्षमताएँ उनसे रिलेटेड होगा, तीसरा पाठन क्षमता यानी पढ़ने की उसकी जो भी चीज़ें हैं वो उस हमें पता चल जाएगा, नोट्स निर्माण यानी जो भी हम अपनी स्टडी मटेरियल बनाते हैं उनसे रिलेटेड होगा, अधिगम से प्रेरणा यानी आपकी जो भी लर्निंग मोटिवेशन है उससे रिलेटेड होगा, फिर आपका स्मृति कह सकते हैं या मेमोरी कह सकते हैं, नेक्स्ट आपका सेवेंथ है परीक्षा से संबंधित यानी आपके जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनसे रिलेटेड होगा, और आपका लास्ट है स्वास्थ्य यानी आपका हेल्थ से भी जुड़े, यानी 45 जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके इन 8 बजटिंग एरिया से लिए गए हैं। तो एक चीज़ और है कि हमें ये 8 बजटिंग एरियाज भी पता होने चाहिए। एग्जामिनर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि अच्छा बताइए कि आपके जो ये 45 क्वेश्चन आपने किए हैं ये किन किन बजटिंग एरियाज से लिए गए हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए कि हाँ ये टोटल मेरे 8 बजटिंग एरियाज थे और इनसे क्वेश्चन ले लेकर क्या किए गए हैं 45 क्वेश्चन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपका, फिर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम कह सकते हैं कि आदत की शिक्षा में उपयोगिता क्या हो सकती है, हम वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं प्रयोज्य का विवरण यानी जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका यहाँ पर हम विवरण लिखेंगे, यानी उसका नाम है, उसकी आयु है, उसका लिंग है, ये सारी चीज़ें आप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। देन परीक्षणकर्ता का विवरण यानी जो परीक्षण कर रहा है, यानी आप क्या हैं, परीक्षण कर रहे हैं इसलिए आप क्या करेंगे, अपना भी पूरी डिटेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री में जो जो चीज़ें हम लेकर यूज़ कर रहे हैं उस इन्वेंट्री के लिए, यानी उस प्रैक्टिकल टाइम पर हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, यानी आपकी पलसानन शर्मा इन्वेंट्री होगी, पेंसिल होगा, इरेजर हो सकती है, बुकलेट होगी, ठीक, वो सारी चीज़ें होंगी। देन हम प्रारंभिक तैयारियां कर लेंगे यानी सबसे पहले जिस पर भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपना उसको एक कह सकते हैं शांत वातावरण में बैठाएं, जिससे वो क्या कर सके, जो भी चीज़ें वो कर रहा है वो कंफर्टेबली कर सके और इजी वे में कर सके, वो इस पर किसी प्रकार का प्रेशर ना हो। तो आज के लिए इतना, फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँगी इसी पर भी कि आप आगे क्या कर सकते हैं, इस पे कैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे इस टेस्ट को, देन उसका रिज़ल्ट कैसे आप निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। थैंक यू क्लास।